थाने में बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान। पुलिस स्टेशन में बाबा साहब के साथ ऐसा सलूक। टॉयलेट में फेंकी संविधान निर्माता की मूर्ति। ये तस्वीरें भारतीय गणराज्य के माथे पर लगा बदनुमा कलंक हैं। ये तस्वीरें उस यूपी के पुलिस थानों की जातिवादी मानसिकता की कलई खोलती हैं, जहां राम राज आ चुका है। ये वीडियो सबूत है कि जिस साल देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, उसी साल भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ योगी राज में थानों के अंदर उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। इटावा जिले के चोबिया थाने के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को टॉयलेट के अंदर फेंक दिया गया। जिस महामानव ने इस देश के करोड़ों लोगों को गंदगी से निकालकर सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया, उसी महामानव के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है। चोबिया थाने के जातिवादी पुलिस वालों पर यह गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को टॉयलेट में फेंक दिया, ताकि वो अपनी जातिवादी कुंठा को शांत कर सके। थानेदार से लेकर एसआई और कांस्टेबल तक इस करतूत के आरोपी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। पुलिस वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। हमने जब आरोपी जेपी यादव से इस बारे में बात की तो उन्होंने धर्मेंद्र शर्मा और दो कांस्टेबल पर ही आरोप लगा दिया कि उनका ट्रांसफर कराने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जेपी यादव जी बात कर रहे हैं? जेपी यादव जी, मेरा नाम सोमित चौहान है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, द न्यूज वीक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से। आपका एक यहाँ थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है वो टॉयलेट में पड़ी हुई है। आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ आपके थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टॉयलेट में पड़ी हुई है। आपके ऊपर आरोप है कि आपने ऐसा किया है? नहीं नहीं, किसने किया फिर? वो जांच हो गई है सर, और हो भी रही है, जांच कार्रवाई हो भी चुकी है कि लोगों के खिलाफ। ऐसा है ना, जो मुझे हटवाने के चक्कर में ये सब किया गया। अगर कोई शिकायत का क्लू नहीं मिला तो ये करके वीडियो वायरल चलाया गया सर, ये पूरी जांच हो रही है। तो किसने किया फिर ये? दो तीन लोग सस्पेंड हुए हैं। नाम बताइए सर उनके। अच्छा, तो क्या इन्होंने मूर्ति रखी थी वहाँ पे? जी जी, वहाँ पे रख के वीडियो बना के पूरा पब्लिक को दिया गया, तब पाया। अच्छा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने सर हमसे अलग किया तो हमें हटवाने के लिए किया ना, हमारे इनको यहाँ से हटवा। ये जो कार्रवाई हुई है वो आपके सीनियर ऑफिशियल्स ने की, अधिकारियों ने की है? हाँ, ऑफिसर ही करते हैं ना, उनको उन्होंने जांच की है। तो आपके संज्ञान में नहीं था कि ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं सर, वीडियो जब वायरल हुआ है तब मुझे कप्तान साहब ने बताया, तब मैंने देखा। तो क्या बाकायदा में सुरक्षित रखी हुई थी, आज से नहीं रखी, दो ढाई साल पहले वहाँ रखी थी। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एसआई जेपी यादव ने बातचीत में साफ साफ माना कि मूर्ति को टॉयलेट में रखकर वीडियो बनाया गया, लेकिन इटावा पुलिस के सीनियर अधिकारी तो इस बात को ही मानने को तैयार नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ ऐसी घटिया हरकत की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक एसपी सिंह ने तो वायरल वीडियो को ही फर्जी करार दे दिया। देखिए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई, यही मूर्ति है और ये हमारे कंप्यूटर रूम में काफ़ी पहले से रखी हुई है, और ये किसी ने फोटोशॉप करके जोड़ तोड़ करके एक वीडियो वायरल किया है और अफवाह फैलाने की कोशिश की है। एक तरफ पुलिस वायरल वीडियो को फेक बता रही है तो दूसरी तरफ मूर्ति के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर रही है कि देखिए मूर्ति एकदम ठीक है। देखिए मूर्ति पूरी सही सलामत है, किसी भी तरह से खंडित या कोई और बात नहीं है।
अपर पुलिस अधीक्षक भले ही वायरल वीडियो को फोटोशॉप बता रहे हों, लेकिन थाने के पुलिस वाले ने तो मान लिया कि ऐसा हुआ था। अब ये घटिया हरकत जेपी यादव ने की या फिर धर्मेंद्र शर्मा ने, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। चोबिया थाने में भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब की मूर्ति के साथ ऐसी हरकत पर लोग भी गुस्से में हैं और पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कानून से, संविधान से, बाबा साहब के बनाए हुए उससे चलता है। देश प्रदेश, थाना, कोर्ट, कचहरी, उसी महापुरुष का एक थाने परिसर के अंदर अपमान हो रहा है। माननीय योगी जी, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, आपसे और एसएसपी इटावा, एसपी इटावा से निवेदन है कि थाना प्रभारी और जो भी उसमें दोषी पाया जाता है, चाहे उसमें जो भी स्टाफ हो, एसआई, कांस्टेबल, आपसे निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई कर, मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का, सस्पेंड करने का काम करें। इस देश में मनुवादियों को बाबा साहब की मूर्ति से भी डर लगता है। शायद उन्हें लगता है कि बाबा साहब की मूर्तियां चलने लगेंगी और बात करने लगेंगी और इनकी घटिया जातिवादी मानसिकता का पक्का इलाज कर देंगी। शायद यही वजह है कि कभी बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है तो कभी उनकी मूर्ति के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है। यूपी की योगी सरकार बाबा साहब का नाम तो खूब जपती है, लेकिन उनके राज में एक थाने के अंदर जो हुआ वो शर्मनाक है। अब सवाल उठता है कि अगर बाबा साहब की जगह किसी देवी या देवता की मूर्ति के साथ ऐसी बदसलूकी हुई होती तो क्या अभी तक इसी तरह मामले को दबाया जाता रहता? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।